दोस्तों ये सबसे महंगी मछली आती है, नमस्कार अदब सलाम दोस्तों, मैं हूँ रियाज इंडियन और आप देख रहे हैं रियाज इंडियन ब्लॉग। तो दोस्तों चलते हैं मच्छी मार्केट की तरफ, सुबह के 10:30 बज रहे हैं हमारे यहाँ पर और इस वक्त मलाड सबवे से आगे बढ़ रहा हूँ, तो शॉर्टकट में अपन निकलते हैं मच्छी मार्केट में, देखते हैं आज क्या कौन कौन सी मछलियाँ आई हैं और किसके क्या भाव है। यह मलाड सबवे, क्या कर रहे हो? अकेले चाय पीते हो तुम? है मच्छी मार्केट जा। बस सामने ही मुझे मच्छी मार्केट दिखाई दे रहा है दोस्तों, और अगला वीडियो मच्छी मार्केट का ही होगा। यह है मच्छी मार्केट दोस्तों, ये सारी गाड़ियां दिख रही, टेम्पो दिख रही, इसमें मछलियां भर भर के आते हैं और यहां पर उतरता है। इस मार्केट में होलसेल मछलियां भी बिकती हैं और वैसे नॉर्मल भी बिकती हैं। इन झोले में देखिए झींगा है और उसके बाजू में झोला भरा हुआ है, बाम है, लंबे लंबे बाम, और उसके बाजू में आई थिंक बांगड़ा होगा, पापलेट मिक्स है। दोस्तों ये देखिए बहुत प्यारी मछली है मेरे हाथ में, दोस्तों ये बहुत, ये शार्क है, दोस्तों ये जो आपको मैंने शार्क दिखाया है, इस शार्क की कीमत है 1000 में 3 दे रहे हैं, आप डिवाइड आप कर लीजिए कितने का कौन सा पड़ा। दोस्तों पिछली वीडियो में मुझे किसी ने कहा था सिर्फ मछली दिखाते हो आप, उसका भाव भी बताया करो, तो यहाँ इतना हौच-पौच आता है, किसी से भाव पूछो समझ में नहीं आता कुछ, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा किसी ना किसी मछली का भाव आपको बताता जाऊँगा। जैसे कि मैंने अभी बताया शार्क मछली, वो 1000 रुपये के 3 थी, ये शार्क मछली का बच्चा है समझ लो इस शार्क का, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों में तो बहुत बड़ा होता है शार्क। दोस्तों ये रावस मछली है, मैं लेने आया था लेकिन बिक गया ऑलरेडी, किसी ने खरीद लिया है। ये जो आपने अभी दिया ये कितने का था? 200 रुपए का ढेर दोस्तों, ये 200 रुपए का ढेर था। दोस्तों ये मछली है, इसका नाम है बांगड़ा, बांगड़ा मछली। दोस्तों ये बांगड़ा मछली है, 20 से 25 होगा मेरे ख्याल से गिनेंगे तो, ये 200 रुपए का है इतना ढेर। ये बिल्कुल ताजा और फ्रेश, इसका नाम है पापलेट, समुद्री पानी का सबसे बेहतरीन पापलेट होता है, और ये बाम है भाई। इतना पापलेट ही कितने का होगा? ये 1500 का 6 पीस। दोस्तों ये पापलेट 1500 का 6 पीस आएगा, बहुत फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, और यहाँ सबसे ताज़ा मछली यही मिलती है। ये मलाड़ वेस्ट, मलाड़ का सबसे मशहूर फिश मार्केट है, ये होलसेल एरिया है जहाँ पर खड़ा हूँ, ये होलसेल मछली मिलती है, बिकती है यहाँ पर। तुम भी अच्छे लग रहे हो, मेरा ब्लॉक है। दोस्तों समुद्री पानी की सब बेहतरीन मछली है, इसका नाम है सुरमई और साइज भी बहुत अच्छा है, देखिए 300 रुपए में 1 पीस है ये। ₹300 रुपए का पीस है, आपने लास्ट टाइम पूछा था प्राइस क्या है तो मैं आज बता रहा हूँ 300 रुपए के ये पीस है। रानी का कीमत है 200 रुपए का, कम से कम 10-12 मछली आएगी, ये खाने में बहुत अच्छी मछली होती है और ये बेचने वाले। हलवा मछली है, हलवा सुरमई है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, आप खुद ही समझ लेना।
चलुआ बोलते हैं शायद, चलुआ। दोस्तों ये जो चमक रही है, बेहतरीन खूबसूरत मेकअप की हुई मछली, इसका नाम रानी, इसे रानी कहते हैं। देखिए कितना सस्ता है, सिर्फ 300 रुपए में इतना सारा बूमबिल है। रोज ये यहीं पे लगाती है मछली, ये बूमबिल फ्रेश यहाँ से लोगे तो बहुत अच्छा मछली फ्रेश भी रहता है और आपको खाने में भी मजा आएगा। थैंक यू। मच्छी मार्केट का सबसे सस्ती मछली और सबसे अच्छा जो फ्राई कर बहुत मजा आता है, लोग चखने में इस्तेमाल करते हैं, लोग हर तरह से खाते हैं। और गरीबों के लिए सबसे बेहतरीन मछली होती है वो बूमबिल, और उसका ये देखिए, इसे कहते हैं बूमबिल। ये बहुत मुलायम होती है, बहुत मुलायम होती है, लेकिन इसको फ्राई करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो इसका नाम है करनी और ये 200 रुपए का एक पीस पड़ता है, बहुत अच्छा चमक रहा है। देख दोस्तों ये सुरमई मछली है, समुद्री पानी के बहुत बेहतरीन मछली है, ताजा मछली है। इस मछली की कीमत है 1600 रुपए का एक, लेकिन आप लोगे तो 1500 में एक मिल जाएगा। और ये पापलेट है, एकदम ताजा और फ्रेश लग रहा है पापलेट। दोस्तों ये पापलेट मछली है, पापलेट 4000 रुपए के, सॉरी ये 4000 में 6 पीस आता है, लेकिन ताजा है एकदम फ्रेश, और चेहरे से ही लग रहा है बर्फ की नहीं, एकदम फ्रेश मछली है। दोस्तों ये सबसे महंगी मछली आती है, इस मछली का नाम ये सबसे महंगी मछली आती है। आंटी बीच में आ गई, ये सबसे अच्छी मछली है, सबसे महंगी मछली है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है झोल, झोल नहीं घोल मछली, और ये सबसे महंगी आती है। यानी कि महंगी मतलब ये कितने की होगी? 700 रुपए की। इतनी बड़ी मछली 700 रुपए की। दोस्तों आपकी औकात है तो कल सुबह आइए, यही मिलता है मछली। दोस्तों आज थोड़ा जल्दी में हूँ, इस वजह से थोड़ा कम, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ये अभी तक आपने जो देखा था वो होलसेल का मोहल्ला था, एरिया था, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से मछलियों को कटिंग करने का अलग से पैसे लेते हैं, और काटने वाला एरिया वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मछलियों को काटने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, सब लोग मछलियों को कटिंग करके देते हैं। आज काफ़ी लोग शायद ये टाइमिंग अलग है, लेकिन ये मोहल्ला है जहाँ पर मछलियाँ, जैसे एक किलो मछली लाए आप, उसको कटवाना है तो उसको काटने का मैं कोई 30 रुपया, कोई 20 रुपया ऐसा लेता है। ये बाम है ना, ये एक बाम कितने का होगा? 1500 रुपए का। दोस्तों ये बहुत लंबा बाम है, इसकी कीमत 1500 रुपए है। कल हम हो ना हो, आज जो होता है वो करो। दोस्तों ये मीठी पानी की मछली है, और वो इस मछली को लोग राजा कहते हैं, मीठी पानी के नाम रोहू है, रोहू मछली ये वाला है, आज बिक गया है सब। और जो इनके हाथ में वो भी शायद रोहू ही है, रोहू या कतला, कतला है। ये बंगाली भाई लोग ज़्यादा खाते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं, उसका कांटा छोड़ के बाकी सब खा जाते हैं। भाई कतला क्या भाव है आज? कतला क्या भाव है? 350 रुपए किलो है दोस्तों, कतला है। रोहू और कतला एक साथ रखेंगे तो जल्दी से आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा रोहू कौन सा कतला, लेकिन जो लोग खाते हैं वो बहुत आराम से समझ जाते हैं ये कौन सा है वो कौन सा है। दोस्तों ये थी मलाड वेस्ट फिश मार्केट, और पूरे मार्केट में एक ही मीठी पानी का मछली मिलती है, जिसे रोहू कहो, पढ़िन कहो, सौर कहो, कतरा कहो, वो मेरे पीछे जो कटिंग हो रही है यही वो दुकान है, बाकी सब खारे पानी की मछली है। आज के लिए इतना काफ़ी, अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी मेहनत
आपको ईमानदारी की लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने पूरे खानदान को हमारे वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।